बेहतरीन सुपर लाया सुपर सॉफ्ट बेक्स। शहर में गांव में धूप में छांव में घर में सफर में और दफ्तर में सुपर का सॉफ्ट बेक्स मिला है, दूध का ताजा मजा है, नरम मुलायम और मीठा है, सबसे आगे सबसे ऊपर सुपर सॉफ्ट बेक्स केक है। सुपर दिखता है बिकता है आता है जाता है चाय का मजा ये उठाता है, इतना जुदा के सबको ये भाता है। एक चाय दो सुपर सॉफ्ट बेक्स लाता है। हम है तुम है इसके मजे में, सब ही गुम है इसके मजे में, सबसे आगे सबसे ऊपर सुपर सॉफ्ट बेक्स केक है। सुपर सुपर सॉफ्ट बेक्स केक है। सुपर सुपर सॉफ्ट बेक्स केक है। सुपर लाइफ चाहे जितनी भी फीकी पड़ जाए, कुछ लोग इसमें रंग भरना चाहते। इस्लामाबाद चाय है मशहूर बहुत, इस्लामाबाद चाय रखे शौक का भर। रूस यूक्रेन जंग के असरा तेल की कीमत नहीं बुलंद तरीन सतह पर, फी बैरल खाम तेल $115 से भी महंगा हो गया। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 112 तक जा पहुंची, जबकि बरतानवी खाम तेल $112 फी बैरल हो गया। यूक्रेन जंग के बावजूद ओपेक का तेल की पैदावार न बढ़ाने का फैसला। यूक्रेन में जंग बंदी के लिए आज फिर मुज़ाकरात होंगे, जबकि रूसी फोर्सेस का सहली शहर खेरसून पर कब्जा, दारुलहुकूमत कैफ और खारकैफ पर भी बमबारी का सिलसिला जारी। कैफ में रेलवे स्टेशन के करीब भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। दोनों जानब झड़पों से 225 यूक्रेनी हलाक, 525 जख्मी। रूसी वजारत दिफा का 498 फौजों की हलाकत का एतराफ़। कराची सिविल एंड कराची क्लब के सामने इमारत में आग लग गई। रेस्क्यू ड्राइव के मुताबिक आग चौथे फ्लोर पर लगी इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची कुरंगी में कैश वैन डकैती की एक और वीडियो सामने आ गई। मुलजमान को पुलिस की वर्दी में देखा जा सकता है। लूटमार थाने से 400 किलोमीटर के फासले पर हुई फायरिंग से कंपनी मुलाजिम अशोक मौके पर दम तोड़ गया। 3 रोज गुजर गए, पुलिस मुलजमान को तलाश ना कर सकी। छह साल कबल आज के दिन भारतीय जासूस कुलभूषण को पाक आर्मी ने गिरफ्तार किया। कुलभूषण बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। मुल्क में दोबारा बर्फबारी और बारिश, मरी में बारिश के साथ बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। शगर और शांगला में भी बर्फ गिर पड़ी। पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सखर खैरपुर में भी बारिश की वजह से मौसम खुशगवार। गिलगित कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। इस्लामाबाद रावलपिंडी बादलों के ढेरे, वक्फे वक्फे से बारिश, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की आइंदा 3 रोज तक बारिश की पेशगोई। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए मैदान सजने में एक दिन बाकी। उज़्बेकिस्तान के सदर दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। वफद में वज़ीर ख़ारजा काबीना और केंद्र सरकारी हुकाम शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान और उज़्बेकिस्तान सदर में मुलाकात होगी। कप्तान की हुकूमत में रवानी साल के पहले 8 माह में तजारती खसारा $3.95 करोड़ हुआ। दरामदाद 52.5 करोड़ $60 लाख रहा। बरामदाद 20.54 करोड़ $70 लाख रहा। खसारे में 82.62% इजाफा, इदारा शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में कोरोना के मजीद 17 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटे में कोरोना के 770 केसेस सामने आ गए। मस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.17% रही।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान आपसी मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़। भारत की जानब से बनाए गए मतनाज़ा डैमों पर इतराज़ात 31 मई तक दोबारा मुज़ाकरात करने पर रजामंदी हुई। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली की यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत करारदाद के हक में 141 ममालिक ने वोट डाल दिए, 35 ममालिक गैर हाजिर रहे। रूस, बेलारूस और कोरिया की मुखालफत, पाकिस्तान का सूरत हाल पर गहरी तश्वीश का इजहार। वजीर खारजा से यूरोपीय कमीशन के नायब सदर का टेलीफोनिक रब्ता। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के हंगामी इजलास पर तबादला ख्याल हुआ। अमेरिका का बाल्टिक ममालिक के जरिए स्ट्रिंगर मिसाइल यूक्रेन के हवाले कर दिए। बाइडन इंतजाम ने यह बरह रास्त यूक्रेन को फरहम कर दिए। यूक्रेन दिफा के लिए इनको इस्तेमाल में लाएगा। चीन का रूस पर आए पाबंदियों में शामिल न होने का ऐलान। एक तरफा तौर पर पाबंदियों की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फरीकैन के साथ मुआशी और तजारती तबादले जारी रखेंगे। रूसी वजीर खारजा की दुनिया को वार्निंग, तीसरी आलमी जंग न्यूक्लियर तबाहकुन होगी। यूक्रेन ने जौहरी हथियार हासिल किए तो मजीद सख्त जवाब देंगे। यूक्रेनी सदर की यूरोप से मदद की अपील, गैर जानबदार रहने का वक्त नहीं है। यूरोप साबित करे कि हमारे साथ है।